कैसे हो? ठीक हो? तो हमने आपके पिछली कक्षा में बप्पा रावल से पहले तक का इतिहास पढ़ लिया है। आज हमें बप्पा रावल के इतिहास के बारे में लेखन कार्य करना है। पढ़ने का तो और सुनने का तो हमने कल सुन लिया है, ठीक है? तो एक तो हम हेडिंग लिखेंगे, क्या रहेगा हमारा शीर्षक? बप्पा रावल। अब कईयों के साथ में क्या है, मेरी जैसी बीमारी हो सकती है कि मेरे को भी क्या है कि एक बार पढ़ते ही याद नहीं होता, भूल जाता हूं मैं भी। तो कई होते हैं सुनते भूल जाते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं ना। बप्पा रावल का समय क्या है? आप तो सब इंटेलिजेंट हो रे भाई। 734 से 753। बप्पा रावल का मूल नाम? ए भाई रे, जोरदार। चलो, बप्पा रावल के गुरुजी का नाम लिख रहा हूं सर, हारित ऋषि। सर कौन से संप्रदाय से हैं? पाशुपत संप्रदाय से। ठीक है, दिख नहीं रहा है, दोबारा लिखूं? अब तो दिख रहा है भाई। हाँ जी, 734 से 753, यही बताया। और नाम क्या बता दिया आपने इसका ओरिजिनल? कालभोज। आपने इनका एक गुरु भी बताया, हारित ऋषि। और हारित ऋषि का संबंध किससे है? पाशुपत संप्रदाय से। ठीक है, फिर आप देखिए कि इसकी जो आप विजय देखते हो, इसकी सबसे बड़ी विजय कौन सी है कि इसने 734 ईस्वी में मौर्य राजा कौन है, मानमोरी को पराजित कर, रे भाई अगर बीच में किसी का कमेंट आए तो मैं आपको कैसे बुलवाऊं? हाँ, जैसे कल आया था, नहीं मान लो इन केस आ जाए तो। सेल्फ डिफेंस बोलते हैं इसको भाई, पहले से सावधानी देखोगे ना। हाँ फिर सही है रे भाई। हाँ वो बार बार में लिखते रहते हैं, सर सही करवाओ सही करवाओ। मैंने कहा भाई संभाल लेना आके, मैं इसको संभालू कि इसको संभालू। पराजित कर किसको जीता बोलो? चित्तौड़गढ़ को जीता। आप तो बोल रहे थे आप भूल जाते हो, आपको तो सब याद रहता है कि इसने चित्तौड़गढ़ को जीत लिया है। ठीक है, चलो फिर आगे बताओ कि साहब इसकी राजधानी क्या रही? नागदा। अब ये जो इसकी चित्तौड़ विजय हुई है, क्या हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही हुई थी क्या? तो हारित ऋषि के सम्मान में पाशुपत संप्रदाय का पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर, या कहें सिंगल मंदिर, पाशुपत संप्रदाय का अपने राजस्थान में एक ही मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर। और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है आपके महामंदिर जोधपुर। ठीक है, चलो निर्माण कार्य ले लो साहब। कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर। कहां पर बनवाया? नागदा कैलाशपुरी में बनवाया। बनवा दिए? क्या कोई सिक्का भी चलवाया क्या महाराज ने? चलवाया साहब। और किसका चलवाया है? सोने का। वजन कितना था उसका? 115 ग्रेन का। और हम कह सकते हैं कि मेवाड़ का पहला राजा है जिसने सोने का सिक्का चलवाया है, जो हमें अजमेर क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब सिक्का है तो सिक्के पर कोई आकृति भी होगी। तो आपको बताया था त्रिशूल है और कामधेनु है,
और बैल है और दंडवत करता पुरुष है। ये दंडवत करता क्या होता है, कोई आदमी से वो यात्रा नहीं करते लोग, हाँ लेट लेट के वो जाते रहते हैं कुछ आदमी, वो वाले दंडवत करता पुरुष। तो इससे क्या पता चलेगा कि कौन से महाराज को ज्यादा मानते हैं, ये भगवान शिव जी इनके आराध्य हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसको हमने उपनाम भी दिलवाया था, भारत का चार्ल्स मॉर्टेल, आया याद, भारत का चार्ल्स मॉर्टेल, और किसने कहा है, सीवी वैद्य ने, किसने कहा है, सीवी वैद्य ने। और ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल, अब जब हम राजस्थान देखते हैं ऐसा ही है ना अपना राजस्थान, और इसमें मेवाड़ किधर आएगा, यहां पे, चलो यहां मान ले, ऐसा कहते हैं कि साहब आक्रमण तो अपने भारत पे हमेशा इधर से हुए हैं, उत्तर पश्चिम से, ठीक है। ये भाई साहब इनको पीटते पीटते, मतलब यहां से पीटना शुरू किया है ना, पीटते पीटते यहां तक आ गए। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी जगह है ये, हमारा बेस्ट फ्रेंड, हाँ ना, खुद शांति से रहता है, हाँ भारत को अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई याद करता है तो कौन करता है, उसके सभी दुखों का कारण, हाँ ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि बप्पा रावल ने अपना सैनिक ठिकाना पाकिस्तान में स्थापित करवाया था, और बप्पा रावल का जो सरनेम है रावल, उसी के नाम पर पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है रावलपिंडी। तो ये जो रावलपिंडी है ना, पिंडी का मतलब होता है शहर, बप्पा रावल का शहर, ठीक है। तो रावलपिंडी को बप्पा रावल का सैनिक ठिकाना माना गया है, क्या माना गया है, सैनिक ठिकाना, इतना शक्तिशाली रहा है। फिर आपको इनकी एक वो कहावत सुनाई दी कि भाई मेवाड़ क्षेत्र में इनके बारे में ये कहा जाता है कि 32 हाथ की तो महाराज धोती पहनते हैं, बताया था कल आपको, एक झटका दो भैंसे गायब, और चार बकरे नाश्ते में, अब भाई साहब का नाश्ता चार बकरे का है तो भोजन अपने आप देख लेना भाई, ठीक है। तो अब शुरू करें आप, बप्पा रावल 734 से 753, मैं लिखवा देता हूं, नहीं तो एक एक अक्षर देखना पड़ेगा, लिखो मूल नाम, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, है ना, मूल नाम, मूल नाम कालभोज, कालभोज लिखे, गुरु क्या नाम है इनके गुरु जी का, हारित ऋषि, हारित ऋषि, ब्रैकेट में लिख रहे ना, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित, लिखे हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही, हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही, आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने सात सौ चौंतीस ईस्वी में मौर्य राजा मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ को जीता अब दो प्रश्न सुनिएगा भाई। पहला प्रश्न तो आपके लिए है कि चित्तौड़ को जीतने वाला मेवाड़ का पहला राजा कौन सा है, बप्पा रावल।
बता देंगे आप। दूसरा प्रश्न आपसे पूछे कि भाई बताओ चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का राजा, तो आपको नाम याद रखना है रावल जेत्र सिंह, मैं लिखवाऊंगा आगे आएगा, ठीक है। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला राजा कौन रहेगा? जेत्र सिंह। और जीतने वाला कौन रहेगा? बप्पा रावल, ठीक है। आगे लिखो, हारित ऋषि के सम्मान में, हारित ऋषि के सम्मान में, सम्मान में बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया, बनवाया, बनवा दिए। नेक्स्ट, बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था, बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने चांदी के, ओ सॉरी, जिसने सोने के, जिसने सोने के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलवाए, जिन पर, अच्छा वजन लिख लेना ब्रैकेट में, 115 ग्रेन। वजन कितना है इन सिक्कों का? 115 ग्रेन। और ये अजमेर से प्राप्त हुए हैं भाई, बप्पा रावल के सोने के सिक्के अजमेर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लिखें, इन सिक्कों पर, इन सिक्कों पर त्रिशूल, त्रिशूल कामधेनु, बैल, बैल को अपन नंदी भी कह सकते हैं ना, शिवजी का वाहन नंदी, बैल ब्रैकेट में नंदी, अरे सर ऐसे ही तो लिखते हैं नंदी, ऐसे ही वो, सर थोड़ा जगह कम थी तो मैंने बिंदी लगा दी, फिर दिखी नहीं होगी वो। ठीक है, अब ठीक है, दंडवत करता पुरुष, दंडवत करता पुरुष की आकृति बनी हुई है, की आकृति बनी हुई है, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को, बप्पा रावल को भारत का, भारत का चार्ल्स मॉर्टेल, चार्ल्स मॉर्टेल, एक ही नाम भी लिख लेना, मॉर्टेलादित्य, कहा है, मॉर्टेलादित्य कहा है, देखें, बप्पा रावल ने अपना सैनिक ठिकाना, बप्पा रावल ने अपना सैनिक ठिकाना
पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थापित करवाया था, पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थापित किया। रावलपिंडी में स्थापित किया। कर दिए। और क्या रहा है इसमें? हाँ जी, हाँ, उपाधियां लिखे, बप्पा की उपाधियां या उपाधियां डायरेक्ट लिख लो। चाय भाई तो आप लोग पीते ही नहीं हो। हाँ जी, लिख लिया आपने, अब एक नोट लिखो आप। मेवाड़ शासकों की, नोट लिखना है, मेवाड़ शासकों की स्वतंत्रता प्रिय, स्वतंत्रता प्रिय प्रवृत्ति के कारण, स्वतंत्रता प्रिय प्रवृत्ति के कारण, मतलब इनको आजादी बहुत अच्छी लगती है भाई, स्वतंत्रता प्रिय प्रवृत्ति के कारण इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। इन्हें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। अब वैसे तो हिंदुआ सूरज एक उपाधि है जो किसकी है, और वैसे पूरे मेवाड़ के राजाओं को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको फ्रीडम पसंद है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए, बप्पा रावल की समाधि। बप्पा रावल की समाधि, कहां पर है? नागदा उदयपुर। नागदा उदयपुर, दो बातें और सुने आप, इसको पढ़ना देखे क्या लिखा है। हाँ जी, जो गुरुजी ने कहा आशंका लेना, ठीक है, और आस्का लेना, मैं तो इसको शुरू से यही पढ़ता आया हूं, आस्का लेना, तो मेरे तो जबान पे वही चढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे पढ़वाया है, क्योंकि आप कहोगे आप अशुद्ध पढ़ रहे हो, तो वो जो आपने अभी पढ़ा ना, वो वाला है ना, आस्का लेना। आस्का लेने का मतलब क्या होता है समझना, मेवाड़ के शासक ये मानते हैं कि हम मेवाड़ के राजा नहीं है, समझना, राजा खुद ये मानते हैं कि हम राजा, हम तो केवल और केवल कर्मचारी हैं, तो फिर राजा कौन है? कि भाई राजा कौन है, और हम तो इनके दीवान है रे भाई, तो मतलब जब भी संकट आएगा तो हमारी रक्षा कौन करेंगे? एक लिंग जी, मान लो अचानक हमला कर दे, कर ही देते हैं, पहले के जमाने में तो लोग ऐसे कर देते थे, हर कोई पुष्पावती थोड़ी होती है, चली जाती है अंबा माता की यात्रा पे, तो फिर पीछे से सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अब मैं इसको लाइन में बना रहा हूं ना, जब भी कभी राजधानी पर हमला हो, राजधानी को एकलिंग जी के भरोसे छोड़कर जाया जाए, तो इस प्रथा को कहते हैं आस्का लेना। समझ गए? मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, ठीक वैसे ही जैसे जयपुर के राजा अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे, कि हम यहां के राजा नहीं है, गोविंद देव जी है यहां के तो राजा, जो भी कुछ करेंगे जय गोविंद देव जी करेंगे। ठीक है, तो यह प्रथा, कौन सी प्रथा? की कोई आक्रमण हो, कोई संकट हो, हम राजधानी को छोड़ देंगे, राज्य को छोड़ देंगे, पीछे से कौन संभालेगा राज्य? एकलिंग जी। इसको कहेंगे आस्का लेना। ठीक है,
लिखे आस्का लेना। मेवाड़ शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। विदेशी आक्रमण की स्थिति में राजधानी को एकलिंग जी के भरोसे छोड़ दिया जाता था। हाँ जी, राजधानियों का क्रम आपको सीधा सा लिखना है, ठीक है। सबसे पहली राजधानी कौन सी रहेगी? नागदा से क्या बनेगी? आहड़। फिर आहड़ से बोलो, और फिर अब इसी में एक एक लाइन और ऐड कर लें कि किस किस ने बनाई है। ये तो स्टार्टिंग से ही चलेगी, ठीक है। आहड़ को किसने बनाया था? तो आहड़ को बनाया है आपके आलूराव ने, अल्लट, जो भी आने वाला है, ठीक है। चित्तौड़ को किसने बनाया? रावल जेत्र सिंह, ठीक है। और उदयपुर को महाराणा, अब ये उदय सिंह फर्स्ट है कि सेकंड है? ये महाराणा प्रताप के पापा है भाई, सेकंड, जिन्होंने उदयपुर को बसाया है। आप लिख लेंगे ऐसे कैसे? खाली आप यहीं तक का लिखना है ना। हाँ जी, तो देखो, बप्पा के बाद की इतिहास की हम बात करें, यह आपने लिख लिया। बप्पा के बाद के प्रमुख शासकों में एक नाम मिलता है हमें, खुम्मान प्रथम का। अब ये खुम्मान प्रथम कौन है? इसने भी बप्पा की तरह मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया है। बप्पा ने भी हराया और इसने भी हराया है, ठीक है। अब यहां से यहां के बीच में, या कहें बप्पा के बाद, मेवाड़ का गुहिल वंश किनके कंट्रोल में आ चुका है? गुज्जर प्रतिहारों के कंट्रोल में आ चुका है, या फिर इनका सामंत बन चुका है। गुज्जर प्रतिहारों की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली है, और गुज्जर प्रतिहारों से इन्हें स्वतंत्र कराने वाला कौन था? ब्रत भट्ट। सीधा फैक्ट टू फैक्ट चलेंगे अपन, ठीक है। फिर हमारे लिए एक बढ़िया जो राजा रहेगा वो कौन रहेगा? अल्लट। अब अल्लट के काल की सबसे प्रसिद्ध घटना कि भाई हरिया देवी, हां ज्यादातर तो इसी को मानते हैं, क्योंकि हरिया देवी का जो वंश है वो है हूण। फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखोगे
तो बाइकास्ट हूण है भाई, और रहने वाली कहां की है? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए थे अपन भारत के रहने वाले, भारत में राजस्थान के, राजस्थान में मेवाड़ के। तो अपने लड़के ने इंटरनेशनल शादी कर ली भाई। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया है, किसके साथ किया है, और कौन से वंश की है? हूण राजकुमारी हरिया देवी। इस हरिया देवी ने एक गांव बसाया था, उस गांव का नाम है हर्षपुर, याद रहेगा। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। मैथ की तरह तीनों में सेम चल रहा है, ठीक है। फिर आगे की बात करें कि अल्लट के काल में ही मेवाड़ में क्या शुरू हुई थी? सामंतवाद, या कहें नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। कि मेवाड़ में सामंतवाद की शुरुआत हम किसके काल से देखते हैं? अल्लट के काल से। अल्लट के काल में ही एक घटना और घटी कि आहट एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर गया है, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया है? आहड़ को। लेकिन क्या आहड़ को उस समय आहड़ ही कहा जाता था? आपने तो सभ्यता पढ़ ली है, आहड़ भी रही होगी उसमें। हां, उस समय इसको कहा जाता था आघाटपुर, ठीक है। इसने राजधानी बना ली। फिर इसी क्रम में कि राजस्थान का प्रथम वराह मंदिर, प्रथम वराह मंदिर वो किसने बनवाया था? अल्लट ने बनवाया है। और वो कहां बनवाया है? आपके आहड़ उदयपुर में बनवाया है। राजस्थान का प्रथम वराह मंदिर किसने बनवाया है? अल्लट ने। अब अल्लट के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी मिली, पुराणों और ख्यातों में इसको क्या कहा गया है? आलूराव। किस नाम से पुकारा गया है? आलूराव के नाम से। फिर इसके बाद के उत्तराधिकारियों में हमें एक नाम मिलता है शक्ति कुमार का। किसका नाम मिलता है? शक्ति कुमार का। तो शासनकाल भी मिलेगा 973 से 993। अब इस काल में क्या हो रहा है कि ये जो आपका मेवाड़ है, देखो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश रहेगा आज भी। उस समय ये मालवा कहलाता था, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? मालवा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है। यहां पर एक वंश रहेगा जिसको आप कहेंगे परमार, ठीक है। इधर आपका एक वंश है जिसको आप कहेंगे चालुक्य या सोलंकी, अहिलवाड़ा के चालुक्य, ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा है कि यहां पर परमारों का एक राजा है जिसका नाम है मुंज, ठीक है। अब पहले के राजा तो आपको पता है बिना बात के लड़ मरते थे जीतने के लिए। तो मुंज ने किस पर हमला कर दिया? आपके शक्ति कुमार पर, और उसने नागदा को जीता और नागदा में एक तालाब बनवा दिया जिसका नाम है मुंज सागर, ठीक है। तो मुंज सागर तालाब कहां बना हुआ है, और बनवाने वाला कौन था, और वो कौन से वंश है? परमार वंश से। अब मुंज के बाद के उत्तराधिकारियों में नाम मिला सिंधुराज, और सिंधुराज के बाद बना भोज। तो हमारे भारतीय इतिहास में एक कहावत है, आप सभी ने सुन रखी होगी, कहां राजा भोज कहां गंगूतेली। सुनिए, ये वही राजा भोज है। इसी के काल में मालवा की धारा नगरी भारत में विद्या का, सरस्वती का सबसे प्रसिद्ध केंद्र बनी थी। तो अब नागदा पर और आहड़ पर किसका अधिकार हो गया है? परमारों का। तो फिर अब मुंज के बाद किसका अधिकार रहेगा? इसने बनाया मुंज सागर तालाब, भोज ने बनाया भोजसर तालाब, बनवा दिए। साथ ही यहां पर एक मंदिर बनवाया गया, त्रिभुवन नारायण मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है भाई, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका एक दूसरा नाम है समिधेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर किसने बनवाया था?
भोज ने। बाद के काल में मेवाड़ में एक राजा हुए महाराणा मोकल, आप सभी ने नाम सुना होगा। महाराणा मोकल ने, अच्छा ये दोनों मंदिर एक ही मंदिर के दो नाम है, इस मंदिर की मरम्मत का जो कार्य है वो करवाया मोकल ने, तो इस मंदिर का नाम क्या हो गया, मोकल मंदिर। बाकी ये मंदिर बनवाया किसने है, भोज ने बनवाया है, या परमार राजा भोज ने बनवाया है। लेकिन परमारों की सत्ता के बाद में इस वाले हिस्से पर, पूरे हिस्से पर किसका अधिकार हो गया, और चालुक्यों ने आहड़ को समाप्त कर दिया, या कहें आहड़ पर इतने आक्रमण किए कि वहां पर रेत के टीले बने और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आहड़ लगभग लगभग पूरा समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी राजधानी तो वही है। बाद के काल में आप देखोगे हम आगे सीधे 1158 में, रण सिंह के हैं दो लड़के, कितने लड़के, एक लड़के का नाम है श्याम सिंह। 1158 में श्याम सिंह एक उपाधि के साथ में गद्दी पर बैठा जिसको कहते हैं रावल, और यहां से मेवाड़ में शुरू हो गया रावल वंश। कौन सा वंश, और ये रावल वंश आपके 1158 से लेकर 1303 तक चलेगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा महाराणा हमीर तो पढ़ते हैं लेकिन कभी महाराणा रतन सिंह नहीं पढ़ते हैं, पद्मनी के पति को रावल रतन सिंह कहते हैं, महाराणा शब्द नहीं लगाते उसके साथ में, क्योंकि वो रावल शाखा से हैं। तो इस रावल वंश का पहला राजा तो कौन हो जाएगा, श्याम सिंह, और अंतिम राजा कौन रहेगा, रतन सिंह 1303 में, ठीक है। अब आपको बताया कि रण सिंह खुद तो बिलोंग करते हैं कौन से वंश से, गोहिल वंश से। अब इसी के एक लड़के ने कौन सी शाखा चला दी, रावल चला दी, और आपको बताया कि इसके दो लड़के, तो फिर दूसरा छोरा भी बताना पड़ेगा आपको, और इसके दूसरे लड़के का नाम था राहप। अच्छा पहले होता क्या था कि पगड़ी तो बड़े बेटे की बन जाती थी, राजपाट तो एक को मिल जाता था, फिर छोटे वाले को क्या मिलता था, छोटे वाले को गांव देते, भाई तू जा वहां जाके आराम कर आराम से। तो इस राहप को एक गांव दिया गया जिसका नाम था सिसोदा, और ये जाके रहने लगा यहां पर किस नाम से, राणा राहप के नाम से रहने लगा, ठीक है। और जैसे ही 1303 में रतन सिंह लड़ते हुए मारा जाएगा, इसी सिसोदे गांव का एक सामंत है जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में लड़ता हुआ मारा जाएगा, वो और उसके 7 पुत्र सब मर जाएंगे, लेकिन इसके एक लड़के का पुत्र है जो अभी भी जीवित है, यानी इसका पोता जिसे आप हमीर के नाम से जानते हैं, वही हमीर चूंकि कौन से गांव का है, इसीलिए 1326 में जैसे ही हमीर गद्दी पर बैठेगा कौन सा वंश चलेगा आपके, सिसोदिया वंश, जो महाराणा के नाम से चलेंगे आपके। तो वंश तो एक ही है गुहिल, लेकिन इसकी दो शाखाएं हैं, इसीलिए आपको गुहिल पढ़ाते समय एक लाइन कही गई थी कि गुहिल वंश भारत का ही नहीं पूरे संसार का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने एक ही भू क्षेत्र पर सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है, लगभग 1400 वर्षों तक, आजादी तक इन्हीं का शासन रहा है, महाराणा भूपाल सिंह, एकीकरण के समय वही थे। तो आप देख लो स्थापना से लेके वही है, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। लिखो बप्पा के उत्तराधिकारी कमजोर रहे, बप्पा के उत्तराधिकारी कमजोर रहे, कमजोर रहे और अब गुहिलों पर गुर्जर प्रतिहारों का नियंत्रण हो गया, नेक्स्ट गुज्जर प्रतिहारों से
स्वतंत्र होने वाला, स्वतंत्र होने वाला प्रथम गुहिल शासक, प्रथम गुहिल शासक, गुहिल शासक कौन है? भृतभट्ट, भृतभट्ट। अच्छा, गुज्जर प्रतिहार हो गए क्या आप लोगों के? नहीं हुए, नहीं हुए क्या? कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो कि गुज्जर प्रतिहारों ने एक समय के लिए राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक हैं सबको अपना सामंत बना लिया था। तो हर वंश के साथ में लाइन फंसती है कि भाई उनसे अलग होने वाला पहला राजा कौन है। तो भाई आपके अजमेर के चौहान तो हो गए, तो फिर अजमेर के चौहान भी तो उनके सामंत रहे थे। तो अजमेर के चौहानों में पहला राजा जिसने गुज्जर प्रतिहारों से संबंध तोड़े हो वो गुवक प्रथम है, ठीक है। और यहां पर पहला कौन है? भृतभट्ट। लिखे खुम्मान प्रथम ने, खुम्मान प्रथम ने, खुम्मान प्रथम ने भृतभट्ट था, बस लाइन खत्म। हाँ, खुम्मान प्रथम ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया, मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया, कर दिए। अब आप टॉपिक बना लीजिए अल्लट, अब इसके बारे में लिखेंगे, अल्लट के बारे में। अल्लट, अल्लट, अच्छा दसवीं सदी में रहा है अल्लट, ठीक है। आप समय लिखना चाहें तो दसवीं सदी कर लीजिए। अल्लट लिखें, पुराणों और ख्यातों में इसे, पुराणों और ख्यातों में इसे, ख्यातों में इसे आलूराव कहा गया है, पुराणों और ख्यातों में इसे आलूराव कहा गया है। हाँ जी, आलू प्लस राव, आलू राव कहा गया है। मेवाड़ में पहली बार, मेवाड़ में पहली बार सामंतवाद ऑब्लिक नौकरशाही, सामंतवाद ऑब्लिक नौकरशाही, नौकरशाही ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो ब्यूरोक्रेसी भी लिख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत, की शुरुआत अल्लट के काल में ही हुई, अल्लट के काल में ही हुई। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम वराह मंदिर, राजस्थान का प्रथम वराह मंदिर, प्रथम वराह मंदिर अल्लट ने ही बनवाया था आहड़ में, अल्लट ने ही बनवाया था वैसे कितने वराह मंदिर होंगे राजस्थान में? बात कर ले अपन दो लोग दो मिनट के लिए, कितने होंगे आपके हिसाब से? दो, चार, पांच, आठ, दस? एक ही है, एक अजमेर में है। अच्छा, वहां वराह नंदी नगरी है। अच्छा, देखो ऐसे कुछ नया सीखने को मिलेगा मेरे को भी। हाँ गुरुजी, वो वराह नगरी है, आपने तो मंदिर बताओ, नगरी बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन बताओ तीन है। चित्तौड़ में कहाँ है यार?
चित्तौड़ में तो नहीं है, अजमेर में तो है, और उसको भी जहांगीर ने तुड़वा दिया था, जहांगीर ने तुड़वा दिया था, बाद में सवाई जयसिंह ने उसको वापस से पुनर्निर्माण करवाया। तो दो ही हैं, एक अरणोराज ने बनवाया है अनाजी, और एक आपके अल्लट ने। अब पहला इसलिए क्योंकि अल्लट का काल पहले आता है, अनाजी का तो बहुत बाद का काल है, ठीक है, दो ही है। चलो लिखें, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, तो मंदोदरी विदेशी थोड़ी है, हाँ तो राजस्थान में कैसे हुए कि मंदोदरी मंडोर से है, इस तरह से बता रहे हो आप? अब हो सकता है शायद वर पक्ष की तरफ से लिखा गया हो हाँ ये भी हो सकता है कि भाई वर पक्ष को रखा गया हो। वैसे तर्क तो सही है कि भाई मंदोदरी का भी तो हुआ था, हाँ लेकिन लेकिन कहने का अर्थ है भाई शादी तो हुई थी लेकिन वर पक्ष को ध्यान में रख के लिखो भाई आगे कहां पहुंचे। राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह अल्लट ने हूण राजकुमारी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से किया, से किया जिसने जिसने हर्षपुर, जिसने